गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका। सर पहले तो बताएं आपकी तरफ से अपडेट्स और बाजार का आउटलुक दोनों ही। आउटलुक आने की आज शायद थोड़ा कंसोलिडेट करे, लेकिन मार्केट का मोमेंटम इतना स्ट्रांग है तो पता नहीं। बैंक निफ्टी तो देखिए 2000 पॉइंट बढ़ गया, 35000 पे आपको कहा था, 37500 हो गया। बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है और ये जो यूएस में यील्ड्स बढ़े हैं, दिस इज रबिंग ऑफ पॉजिटिवली ऑन बैंकिंग स्टॉक्स बिकॉज रिजल्ट्स विल बी वेरी गुड। क्रेडिट ग्रोथ के जो नंबर्स आ रहे हैं वो बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं। अपडेट दे दूं, कल आपको टाटा पावर 22 रुपए में कहा था, 28.5 का टारगेट था, कल ही हिट हो गया। और दूसरा भाई था मेरा भारती, तो अब मैं भारती में रीट्रेड करता हूं। जो इनका पेमेंट बैंक का हो गया है, शेड्यूल बैंक की लाइसेंस आ गई है और जो इन्होंने अपनी ऑप्टिक फाइबर को मर्ज किया है, भारती इज अ नो ब्रेनर, इट बिकम द मोस्ट कंप्लीट सॉल्यूशन, जैसे आपका जियो है। और मुझे कोई दो राय नहीं कि भारती इस साल में तो 900 रुपए जाएगा। तो ये 97-98 में कल आपको दिया था, 97-681 का स्टॉप लॉस है, 720 का पहला टारगेट, 735 का दूसरा टारगेट, ये मेरे कल की कॉल्स है। आपको कोल इंडिया शॉर्ट दिया था, वो 54 रुपए का भाव ही है, अगर आपने उसके अगेंस्ट फेयर किया है तो आप उसके जो भी प्रॉफिट लॉस है वो भाव भाव है तो निकल लिए, नहीं तो भारती के अगेंस्ट शॉर्ट रखने की अभी भी मैं कायम रखूंगा, मार्केट इज वॉलेटाइल। अब आपके लिए दो बाय कॉल्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। बताएं सर। पहला बाय है सर जिंदल स्टील, 393 में लीजिए, 93-93.50, 386 का स्टॉप लॉस, 405 से 407 का टारगेट। आई थिंक मेटल्स आर इन स्वीट स्पॉट, जिंदल स्टील विल लीड। दूसरा भाई अगेन सीमेंट में मैं बहुत पॉजिटिव हूं और सबसे बढ़िया शेयर यहाँ जो आपका नॉर्थ रीजन में आएगा वो डालमिया भारत है, 1900 रुपए का भाव है, 1860 का स्टॉप लॉस है, 1975 का टारगेट। डालमिया भारत के नंबर्स और उसके मार्जिन आर वन ऑफ द हाइस्ट इन द इंडस्ट्री, तो मुझे कोई दो राय नहीं, डालमिया भारत इज गोइंग टू बी एन आउट परफॉर्मर। तो दो कॉल्स आपके लिए, दालमिया भारत 1975 का टारगेट, 1860 का स्टॉप लॉस, इस पर खरी खरीदारी, और जेएसपीएल 386 का स्टॉप लॉस, 405-407 के टारगेट्स के लिए दो बेहतरीन कॉल्स मजीन साहब की तरफ से, जहां पर रखनी है नजर। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल्स भी शेयर करने